उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उद्यमी योजना से रिलेटेड, क्योंकि अब मात्र 7 दिन बच गया है, क्योंकि 31 तारीख तक लास्ट डेट है उद्यमी योजना का, और बहुत सारा लोग का मिस्टेक भी हो रहा है। और जितना से जितना जल्द हो आप फॉर्म डाल दें, ऐसा नहीं है कि 31 तारीख जो लास्ट डेट है तो आप 31 तारीख के भर पर रहेंगे, उससे पहले आपको काम कर लेना है, क्योंकि इस बार बहुत सारा चेंजेज किया गया है और बहुत सारा लोग गलती भी कर रहे हैं कि कैटेगरी के लेकर के कि युवा उद्यमी योजना में ओनली 4 लोग ही भरेंगे, OBC और जनरल। तो इसीलिए युवा में आपका जो है, पहले जो EBC में जो आते थे युवा उद्यमी में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, SC ST वाले युवा में भी नहीं आप डाल सकते हैं। तो युवा उद्यमी में OBC और जनरल डालेंगे। तो जब भी आप फॉर्म आप अपने से खुद से डालना चाहते हैं, या जो CSC भाई लोग चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, वो लोग भी बहुत मिस्टेक करते हैं, तो उनसे मेरा नम्र निवेदन यही रहेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो वीडियो को पहले आप जाइए भली भांति देखिए। खुल बुला करके कोई काम नहीं किया जाता है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे भी फॉर्म डलवा सकते हैं, उसका कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप नहीं खुद से भरना चाहते हैं तो पहले थोड़ा टाइम से जो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो मैंने बना दिया है, अब उस पर जो क्या है कि आप पहले जाइए वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद जो भी आपको डाउट है तब पूछिएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट रहेगा। तो जो भी आप मान लेते हैं कि फॉर्म जो डालना चाहते हैं, तो पहले आप जाएँ, पहले वीडियो देखें, पहले वीडियो में चाहे जनरल कैटेगरी से रिलेटेड हो, जनरल कैटेगरी वाले हो, चाहे EBC हो, SC ST हो, जितने भी हम महिला लोग हैं, सभी पे मैंने वीडियो बन डाल दिया है। आपको पता है कि 4 जो उद्यमी योजना चला जाता है, आपका SC ST हो गया, युवा उद्यमी योजना, EBC हो गया, और आपका एक महिला हो गया। तो जो 4 उद्यमी योजना पर मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है, आप पहले जाइए, आपको खुद से देखना है कि भाई मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। ऐसा नहीं है कि युवा है उद्यमी में आप डाल दीजिएगा। सर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है सर, उस पर ओनली 4 आपको व्हाट्सअप करनी है, ना कि कॉल करना है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है उसी टाइम अपने फ़ोन कर देते हैं, तो सर कॉल ना करें हम, इसके लिए हम जानते हैं सर आपको तकलीफ़ होती होगी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है कि मैं किसी को फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो सर आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर मैं 3-4 आदमी को रिप्लाई कर सकता हूँ, और आपका अभी का भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, जमाना कहाँ कस से कहाँ गया है, और आप फ़ोन के चक्कर में हैं, तो सर आप ओनली 4 व्हाट्सअप करें, इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ सर, आप फ़ोन ना करें। मैंने वहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे बता भी दिया है कि आप फ़ोन ना करें, ओनली 4 व्हाट्सअप करें, इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ सर, आप व्हाट्सअप करें, फ़ोन ना करें। क्योंकि पिछले बार जो 2021 की मैं बात करूँ, युवा उद्यमी में 4 लोग डाल सकते थे, SC ST वाले में भी डाल सकते थे, EBC वाले भी, OBC और जनरल सभी डाल सकता था, लेकिन इस बार बहुत चेंजिंग किया हुआ है युवा उद्यमी में। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसमें किसी प्रकार का आप चेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले जो बहुत सारा मैसेज आया है कि सर देखिए ना, मैं अति OBC से आता हूँ और अति पिछड़ा में डाल दिया हूँ, तो अब क्या होगा, बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, बार जो आप मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब OTP आपका गिर जाएगा, पासवर्ड गिर जाएगा, तो गिर जाने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, समझे। ये तो लड़का क्या किया था कि वो डाल लिया था युवा उद्यमी योजना में, समझे। अब उसके बाद वो क्या किया कि मोबाइल नंबर चेंज किया, मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद तब हमारा से डलवाया फॉर्म, हमको बोला नहीं कि हम जो है ना युवा में डाले हैं, हमारा से UBC में डलवाया, OTP पासवर्ड सब गिर गया,
गिरने के बाद जब फाइनल सबमिट जब होता है तो फिर वह वाला आता है, युवा उद्यमी आता है। इनका ये कहना है कि अगर मान लेते हैं ये जो पहली बार आपका OTP या पासवर्ड जब हो जाएगा, इसलिए जो पहली बार जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इसको मजाक में नहीं लेना है, हंसी मजाक का खेल नहीं है, क्योंकि आप एक बार गलती कर देंगे इसमें दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा चेंज करने का। इसलिए कोई ऐसा एक्सपर्ट लोग है उनसे थोड़ा भरवाएँ। देखिए हम लोग क्या है, इधर जो मान लेते हैं कि हम क्यों आप लोगों का हेल्प करने लगे फॉर्म के बारे में, फॉर्म भरना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता था कि CSE वाला है, कोई दुकाने वाला है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा रियलिटी मैं बताता हूँ। तो क्या है कि वो लोग जब गलती होता था वो हमें से पूछते थे, तो हम कहें कि भाई जब हम बताए करते हैं हम फॉर्म क्यों नहीं डालें, तब हमसे बहुत लोग फॉर्म डलवाए किया। लेकिन फॉर्म डलवाने के बाद सबसे ज़्यादा आपका ए में कोई लोग चॉइस करता है कि ए में जो है ना 5,000 वैकेंसी है और बी में 2,000 है। हालांकि 2,000 में भी अगर डालेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2,000 में लोग कम डाल रहा है, 5,000 में सोच रहा है कि 5,000 में जो है ना ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा लोग उसमें फॉर्म डालेगा, लेकिन इक्वली हमको हो जाएगा। अगर ज़्यादा आपको रिक्स लेना है तो लॉटरी सिस्टम है, ज़्यादा रिक्स लेना है तो बी के साथ भी आप जा सकते हैं। ये बी क्या होता है, आप प्रेस रिलीज करके टेलीग्राम जब ज्वाइन कर जाएगा तो वहाँ पर जा करके देखिएगा। देखिए मेरा जो भी वीडियो होता है ना तो ऑडियो थोड़ा लगा करके ईयरफोन लगा कर सुनिएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में सुनने में, समझे। तो इसमें क्या है कि अब 7 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपका बहुत अच्छा किया है कि सेविंग अकाउंट दिया है। और एक और नुकसान भी है कि ज़्यादा मात्रा में फॉर्म डलाएगा तो इस बार में तो कोई अथी नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट इस बार लिया जा रहा है, करेंट अकाउंट अगर लिया जाता तो कम मात्रा में लोग फॉर्म भरता, लेकिन सेविंग अकाउंट के चलते ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका अभी तो फॉर्म डलाया है, फॉर्म डलवाने का पूरा प्रक्रिया आपका जो है 1.5 साल लगेगा, समझे। पहले आपका 31 तारीख तक फॉर्म डलाएगा, फॉर्म डलने के बाद आपका जो है ना ऑनलाइन आपका पूरा फॉर्म को चेक करेगा कि आपका सही है या गलत है, अगर सही रहेगा तो आपका जो है लॉटरी सिस्टम में रेंडमाइजेशन में आपका नाम आएगा और उस रेंडमाइजेशन किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम अगर होगा हो तो उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। पूरा प्रक्रिया फाइनल लिस्ट के बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह सभी सब कराने में 1.5 साल का समय आपको लगेगा, इसलिए धैर्यपूर्वक आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ कि 7 दिन अभी बाकी है, आपको तत्काल में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप फॉर्म भर लें। तो इसके लिए आपको जाति मैंडेटरी महिला के लिए नहीं है, लेकिन जाति आप अगर कैटेगोरी वाले हैं, अगर आप रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भविष्य में कोई नहीं जानता है कुछ, तो आप जाति बनवा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब जाति निवास आए, आपको एक दिन में RTPS में जाइएगा तो वो लोग बना करके दे देगा। अब क्या है कि लोग ऑनलाइन कर करके छोड़ दीजिएगा तो 10 दिन वैसे भी समय लगेगा, अभी समय आपका 7 दिन मात्र है। तो आप RTPS हर ब्लॉक में बनता है, तो ब्लॉक में आप जाइएगा 150 जो भी आपका होगा कुछ उसको दे दीजिएगा, वो अपना जो है ना हाथों दे देगा, समझे। जाति आवास आपका सिर्फ ओनली फॉर जाति आपका चाहिए और निवास चाहिए। जनरल कैटेगरी के मैं बात करूं कि अगर जाति आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको एक मौका मिलेगा, उसके लिए क्या है कि आपका नाम पता जनरल कैटेगरी का जनरल करके एक PDF मैं उसमें अपलोड कर देता हूं कि मैं आपका नाम पता दे करके और उसमें कास्ट हम दे देंगे कि भाई जनरल कैटेगरी है और आपका काम हो जाएगा। रही बात फॉर्म रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा तो आपके लक के ऊपर है, क्योंकि वो जान रहा है कि भाई जनरल कैटेगरी का जाति नहीं बनता है, रिजेक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लें, रिजेक्ट ना करें। तो इसलिए वो जनरल कैटेगरी के बारे में जब भी मैं अपलोड करता हूँ जनरल कैटेगरी का, तो एक मैं PDF बना करके उसका मैं डाल देता हूँ, वो कैसा है मैं वीडियो भी मैं अलग से बना दिया हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले को कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो जातीय आवासीय निवास आपका 1 से 2 दिन में बन जाएगा। बैंक अकाउंट की मैं बात करूं तो पुराना जो सेविंग अकाउंट है वो भी चलेगा, क्योंकि 101 साल पुराना भी है, 1921 के बाद जितने भी बैंक खाता खुला हुआ है सभी कोई भी आप दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट कोई मसला है नहीं, समझे। इसलिए जितना जल्द हो आप जो है फॉर्म डाल दीजिए, 31 तारीख के भर पर ना रहें, क्योंकि हो सकता है शायद बिजी हो या कहीं आप डालने जाते हैं तो उसको कहीं बिजी ना रहे, चाहे हम ही से आप डलवाइएगा, हो सकता है 31 तारीख को ज़्यादा मात्रा में आपका फॉर्म डलाएगा तो हो सकता है कि बिजी रहें। तो इसलिए आप प्रयास करें कि उससे पहले इतना ध्यान में रखना है कि 27 से 28 तारीख तक एकदम वैसे पहले डाल लेना है। देखिए
घर में घरेलू कोई भी काम होता है अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को जो है ना एकदम प्राथमिकता दीजिए, प्रथम नंबर पर डालिए। क्योंकि देख बहुत आपका लग रहा था कि ये जो वैसे भी वैकेंसी लेट से आया है 2022 वाला, लग नहीं रहा था कि इस बार आएगा, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है और ये मौका नहीं छोड़ना है। आप फॉर्म डाल दीजिए, हो सकता है आवे चाहे नहीं आवे कोई बात नहीं है भाई, लेकिन आ गया है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझे। तो ये बात रहा। इसके बाद मैंने युवा उद्यमी योजना के बारे में मैं बोला कि युवा में जो कौन लोग डालेगा, ओबीसी वाले डालेंगे और जनरल कैटेगरी के लोग डालेंगे। महिला में उद्यमी में कौन कौन डालेंगे, महिला उद्यमी में आप एससी एसटी वाले में डाल सकते हैं, ईबीसी वाले डाल सकते हैं, ओबीसी और आपका जनरल कैटेगरी का भी, यानी मेरा कहना है कि महिला उद्यमी में जितने सारे महिला हैं सभी उसमें डाल सकती है, लेकिन युवा उद्यमी में जो पुरुष है वही डालेगा, और पुरुष में ओबीसी और जनरल डालेगा। मैं बार बार कहता हूँ, और फिर इसके बाद आप गलती करते हैं तो वो आप जानिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग के लिए फिर लफड़ा लगाइए, फिर जीएम के पास जाइए, वो कहेगा वहाँ जाओ तो लफड़ा लग जाएगा। इसलिए सर सावधानी पूर्वक इसमें फॉर्म को हल्के में नहीं लेना है, ओके। और जो भी आपका कमेंट होता है, आपको बहुत सारा पूछ रहे हैं कि पेमेंट कब आएगा, अरे पहले तो अभी फॉर्म डलाएगा, फॉर्म डलाने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका लॉटरी सिस्टम, बहुत लेंदी सोचे भाई, बहुत दूर जा रहे हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट आपका 7 से 1.5 साल लगेगा, समझे। और हाँ, एक बात मैं मेंशन यहाँ कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट आप को जो अच्छा लगे वो आप डालिएगा, अपना इंटरेस्ट के अनुसार आप डालिएगा। 51 को जो प्रेस रिलीज मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, उसमें से जा करके अगर आपको मन में लगा कि बाद में चेंज करें, तो पहला किस्त से पहले आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आपका उद्यमी योजना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दूंगा, या हो सकता है उस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे, 2 से 3 दिन में आपका हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फ़ोनपे गूगल पे है, और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।